प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। यहां से तीसरी बार बीजेपी का प्रत्याशी बनने के बाद पीएम मोदी महादेव का आशीर्वाद लेने काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे। वो बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और यहां पूजा दर्शन के बाद बनारस लोकोमोटिव कारखाने के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगले दिन सुबह 10 मार्च को वो आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखने के लिए प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा है। सर, आज कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, क्या डिस्टेंस आप लोग अपने सीमा में बांध के? पीएम साहब का कार्यक्रम है, मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे, तो इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। पूरे रोड पे ड्यूटियां रहेगी और उसको आवश्यकता अनुसार और भी व्यवस्थाएं की जाएगी। लगभग क्या डिस्टेंस है सर जिसको आप लोग मुख्य रूप से कवर कर रहे हैं, क्या क्या आप एयरपोर्ट से हैं? वो तो डिस्टेंस तो काफ़ी है, पूरी तैयारी होगी? बिल्कुल पूरी तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। हमको बहुत आवश्यकता अनुसार फोर्स भी मिल गया है और जो भी जगह जहाँ जरूरत है वहाँ ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम के लिए सीधे पीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। गेस्ट हाउस जाते वक्त पीएम मोदी के स्वागत के लिए 3 स्थानों पर वेलकम पॉइंट बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री की वापसी लहुराबीर चौका घाट, फिर कैंट ओवर ब्रिज से होते हुए लहर तारा कैंसर हॉस्पिटल, फिर बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन सुबह लगभग 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। आजमगढ़ के कार्यक्रम में शिरकत करके वो दोपहर लगभग 2 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर दिल्ली लौट जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।